ननियाखली विधानसभा ननियाखली ब्लॉक में सुबह से काउंटिंग के एजेंट हम लोग का बीजेपी का सब लोग अच्छे से ठीक से घुस गया था, लेकिन जब उन लोगों को पता चल गया था कि वहां पे बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है, सब जगह में जो बैलेट बॉक्स खुल रहे थे वहां से सबसे ज्यादा बीजेपी का वोट जा रहा है, बीजेपी को वोट मिला, तो तब सब एजेंट लोगों को बाहर कर दिया और वहां पे बाहर से लोग आके भर के कल रात से रख दिया है काउंटिंग का जो रूम है उसमें, और कार्ड पहन के उसमें बंदूक लेके और मोबाइल लेके, हम लोगों के पास मोबाइल अलाउ नहीं है, एक पेन भी अलाउ नहीं है बीजेपी का एजेंट का, लेकिन टीएमसी ने बाहर से लोग को लेके आया, उसके साथ ड्रिंक, उसके साथ गन, उसके साथ सब कुछ उनके साथ है, और हम लोग को महिला लोगों को पिटाया, महिला लोगों को बाल खींच के बाहर कर दिया, हमारा जिला परिषद को कैंडिडेट को बाहर किया मार के, हमारा कार्यकर्ता को बाहर कर दिया है, और महिला को तो मतलब सेंसलेस हो गए, ये क्या कौन सा बंगाल है, ये कौन सा बंगाल है, ये तो ये वोट नहीं है, ये युद्ध हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ये विधानसभा का वोट कैंसिल होना चाहिए और फिर से सेंट्रल वाहिनी के सामने इसका फिर से रिपोल होना चाहिए, नॉमिनेशन देके फ्रेश पोलिंग होना यहाँ पे चाहिए, नहीं तो हम लोग ये वोट नहीं मांगते हैं। बंगाल में घर घर में आज का पूरा जो आप चेहरा देख रहे हैं कि ये पूरा बाहर आ गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।